मोहल्ला ख्वाजा नगरी किसरौल मुरादाबाद में वाक़े सूफ़ी आसिम ख़ान चिश्ती साबरी कादरी की खानकाह में 19 रजब शरीफ की शाम को बाद नमाज असर हज़रत सैयद इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़र और ख्वाजा ख्वाजगान वाली हिंदुस्तान अताए रसूल हिंदल वली हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की छठी शरीफ की महफिल नहायत अकीदत व एहतराम के साथ आरास्ता की गई, जिसमें कसीर तादाद में खानकाही व निस्बती हजरात ने शिरकत की। इस मौके पर नौजवान आलिम दीन हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद दानिशुल कादरी ने सामईन को खिताब फरमाते हुए अपने नूरानी बयान से हाजरीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाया। जितना माल आता है वो सदका खिरात करते हैं, चंद दिरहम अपने पास रोकते हैं, चंद सिक्के, और रोकने के बाद आप इल्म दीन सीखने के लिए निकलते हैं। तो आप जिस मदरसे के अंदर दाखिल होते हैं, होने के बाद जब आपने कुरान को पढ़ना शुरू किया, उस्ताद हैरत में है कि इस अंदाज से कुरान पढ़ रहा है कि शायद दुनिया का बहुत बड़ा कारी कुरान पढ़ रहा है। कहा कि बेटा ये किरात तुमने सीखी कहाँ है? तो कहा कि मेरी माँ ने लोरियों में राजा रानी की कहानी नहीं सुनाई थी, बल्कि कुरान के किस्से सुनाए थे। मैंने ये कुरान पढ़ना अपनी वालिदा से सीखा है कि मेरे वालिद मोहतरम भी हाफिज कुरान थे, मेरी वालिदा भी हाफिज कुरान थे। असल बात यह है कि बात खत्म हो गई, रात का वक्त हुआ, एक हुजरे में जगह दे दी गई है कि तुम्हें यहाँ रहना है। बच्चे खेलते हुए जा रहे थे, रात की तन्हाइयों में क्या देखते हैं कि हजरे से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, नूर की किरणें उस कमरे से निकल रही हैं। पूछा कि ये कमरा किसका है? तो बताया कि जो अभी हसन बच्चा आया है, इसको ख्वाजा नवाज हम कहते हैं, ये वो बेटा है, वो कुरान की तिलावत करता है। बच्चे हैरत में है कि नूर की शुआएं निकल रही हैं, अभी तो चंद दिन ही इनके मदरसे में आए हुए हुए हैं, ये कमाल है। सुबह उस्ताद को बताया कि उस्ताद हम फला कमरे से निकल गुजर रहे थे, हमने देखा कि जो नया बच्चा पढ़ने के लिए आया है जिसका नाम हसन है, उसके कमरे से नूर की शुआएं निकल रही थी। कहा कि अच्छा, अभी उसे कहना कुछ नहीं है, जब रात हो जाए और कभी ऐसा दोबारा मंजर देखो तो उस्ताद ने कहा कि मुझे बता देना। अब जब उन्हें दोबारा गुजरे कई रातों के बाद, फिर देखा कि वही नूर निकल रहा है, वही कुरान की तिलावत। इससे कबल मशहूर मद्दाहे रसूल असद अशरफी ने गुलहाए नात व मनाकिब पेश करने की सआदत हासिल की। मुफ्ती साहब के खिताब के बाद कुलशरीफ पढ़ा गया और बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलातो सलाम का नजराना भी पेश किया गया। आखिर में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद दानिशुल कादरी ने दुआ फरमाई और हाजरीन ने आमीन आमीन की सदाएं बुलंद कीं। रिदवान की बारिश से आता हुआ आमीन। खालिक के कायनात, हम गुनाहगार सियाहकार बदकिरदार बंदे तेरे महबूबों का नाम लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मालिक हमारी तरफ न देख, बल्कि महबूबों के जिक्र के वसीले से हमारे गुनाहों को आमीन।
हमारी बख्शिश मगफरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, खालिक कायनात खालिक कायनात हमें इस्लाम की जिंदगी अता कर दे, ईमान की मौत अता कर दे, खालिक कायनात खालिक कायनात हम सब की कब्र की हश्र की मीज़ान और सिरात की सारी मंजिलों को आसान कर दे, खालिक कायनात हमारे वालिदैन की मगफरत फरमा दे, खालिक कायनात बुजुर्ग हयात है उनका तदीस आया हमारी तुम भी कायम फरमा दे, खालिक कायनात मालिक कायनात तू रज़ाक भी है तू वहाब भी है तू ही अता करने वाला है, तुझसे न मांगे तो हम किसकी बारगाह में न आए, मालिक हसनैन करीमैन का सदका अता कर दे, हसनैन करीमैन का सदका अता कर दे, आलिय खारिजा का सदका अता कर दे, रिज़्क़े सहल अता कर दे, रिज़्क़े हलाल अता। इस दौरान आल इंडिया खानकाही एकता मिशन के सदर और दरगाह हजरत हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवाब हयातुन्नबी खां, मिशन के जनरल सेक्रेटरी और दरगाह हजरत सुल्तान साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन मुतवल्ली व सदर सैयद मोहम्मद अली नईम चिश्ती साबरी सुल्तानी, दरगाह हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन और आल इंडिया खानकाही एकता मिशन के कन्वीनर अलहाज सैयद शिबली मियाँ, मिशन के नायब सदर और दरगाह हजरत पहलवान शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हाफिज इफ्तिखार हुसैन चिश्ती साबरी, दरगाह हजरत सैयदना शाह मुकम्मल साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन व मिशन के नायब सदर अलहाज सैयद गुल्लू मियाँ, मिशन के ट्रेजरार और दरगाह हजरत सैयदना शाह बुलाकी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सेक्रेटरी अलहाज इश्तियाक हुसैन अशरफी, खलीफा अलहाज इशरत हुसैन साबरी, दरगाह हजरत शाह मोहम्मद इसाक मियाँ रहमतुल्लाह अलैह से अलहाज मोहम्मद नदीम इसाकी, अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए मजहर सिद्दीकी, शुगर मिल हरदोई के मैनेजर अतीउल्ला सिद्दीकी, सूर्य प्रकाश सचान, राशिद हुसैन, हाजी माशूक अली, मुइन हुसैन अब्बासी वगैरह समेत काफ़ी तादाद में खानकाही नस्बती हजरात और दीगर अकीदतमंद मौजूद रहे। इंतज़ाम एहतमाम में नाजिम खां, बब्बू खां, कासिम खां, मोहम्मद आरिफ मंसूरी साबरी, जावेद अख्तर उर्फ बड़े भाई, साजिद हुसैन उर्फ गुड्डू मुकम्मली, जब्बार हुसैन साबरी, मोहम्मद आकिब, हाजी महबूब, मंजूर हुसैन, मोहम्मद शाकिर, नाजिम हुसैन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद इकराम वगैरह पेश रहे। इस मौके पर सज्जादा नशीनान व दीगर खानकाही और नस्बती हजरात की दस्तारबंदी भी की गई। नमाज मगरिब के बाद सभी हाजरीन की खिदमत में पुरतकल्लुफ लंगर पेश किया गया और आखिर में सूफ़ी आसिम खां साबरी चिश्ती कादरी ने सबका शुक्रिया अदा किया।